हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज डॉट ऑफ ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू टाटा पंच एकॉम्प्लिश डीजल सीएनजी वेरिएंट की। इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको यहां पे देने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह है दोस्तों 2024 टाटा पंच का एकॉम्प्लिश डीजल सीएनजी वेरिएंट, और इस वेरिएंट की प्राइसिंग चेकआउट कीजिएगा। क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। काफी बोल्ड, एग्रेसिव और स्टनिंग लग रहा है दोस्तों, और अपने सेगमेंट में काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और वहीं इसके हेडलाइट यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको यहां पे एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया गया है, साथ में टर्न इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिया गया है। नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में यहां पे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, और साथ में हेलोजन बल्ब दिया गया है। प्रोजेक्टर हेडलाइट लो बीम में एंड हेलोजन बल्ब हाई बीम में दिया गया है। नीचे आपको फॉग लैम्प दिया गया है जो कि हेलोजन बल्ब के रूप में दिया गया है। और वहीं इसका फ्रंट ग्रिल बहुत ही स्लीक डिजाइन में यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। बीच में टाटा का 3D लोगो, जस्ट इसके एडजेसेंट ट्रायरोसेप डिजाइन दिया गया है। वहीं फ्रंट बम्पर में बॉडी क्लैडिंग दिया गया है ब्लैक पार्ट नंबर प्लेट की जगह। नीचे एडम पे ट्रायरोसेप डिजाइन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। स्किड प्लेट आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी शानदार अमेजिंग दिया गया है दोस्तों। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक सस्पेंशन, फ्रंट में मैकपर्सन स्टड एंड रियर में ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच की ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है। व्हील साइज है 195/60R16। वार्मअप आपको यहां पे बॉडी कलर में दिया गया है टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। फ्रंट में वाइपर प्रोवाइड किया गया है। विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड सीएनजी का स्टिकर एंड गाड़ी की डिस्क्रिप्शन। रूफ लाइनिंग की बात करें तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, रूफ रेल प्रोवाइड किया गया है, साथ में इलेक्ट्रिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है। और वहीं इसका ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है। और जो फ्रंट में जो ग्रैब हैंडल है बॉडी कलर में दिया गया है, रियर में बहुत ही स्टाइलिश ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया गया है। रियर में फ्लोटिंग रूफ डिजाइन प्रोवाइड किया गया है, जो कि इसके डिजाइन को काफी एनहांस कर रहे हैं। और वहीं डोर पे साइड पे आपको मोल्डिंग दिया गया है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं दोस्तों। ओवरऑल इसका साइड प्रोफाइल भी बहुत ही शानदार अमेजिंग। रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही शानदार डिजाइन। और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको साकफिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। लेकिन एकॉम्प्लिश डीजल सीएनजी वेरिएंट में भी आपको डिफॉगर एंड रियर वाइपर प्रोवाइड नहीं किया गया है। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में ट्राई रिसेप डिजाइन में एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, और इसके टेल गेट के बीचों बीच 3D टाटा का लोगो, जस्ट इसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा, और टेल गेट के बीचों बीच पंच की हॉरिजॉन्टली ब्रांडिंग, जस्ट इसके एडजेसेंट ICNG की ब्रांडिंग। वहीं रियर बम्पर आपको ब्लैक पार्ट में दिया गया है दोनों ओर, बहुत ही शानदार डिजाइन में आपको यहां पे दिया गया रिफ्लेक्टर्स, और बहुत ही शानदार हाउसिंग में। और इसके एडजेसेंट आपको ट्रायरोसेप डिजाइन दिया गया है नंबर प्लेट की जगह। स्किड प्लेट आपको यहां पे ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड किया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, और रिवर्स पार्किंग लाइट यहां पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। ओवरऑल इसका काफी अमेजिंग है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। उससे पहले आपको यहां पे की दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह, और लॉक अनलॉक का बटन, लाइट का फंक्शन, बूट ओपनर का बटन। अनलॉक कर देते हैं, और यहां पे आप देख पा रहे हो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। ओपन करते ही 90° ओपन हो जाता है दोस्तों, कुछ इस तरह, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा फायदा है, चढ़ने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फ्रंट डोर में आपको ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश, और पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, वार्मअप के कंट्रोल दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश, 1 लीटर का बोटल है, थोड़ी सी जगह, अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। स्पीकर आपको 4 मिल जाते हैं, ट्विटर 2 मिल जाते हैं। और वहीं डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही प्रीमियम।
स्टेयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और साथ में आपको यहाँ पे फॉग लैम्प का लाइट दिया गया है, लॉक अनलॉक का बटन, सीएनजी का स्विच दिया गया है, डायरेक्ट सीएनजी पे स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे डेट पेडल प्रोवाइड किया गया है, लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। वहीं इसके इंटीरियर की बात करें दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है, फैब्रिक अपोजिटिव प्रोवाइड किया गया है जिसके ऊपर ट्राइवर्सिव डिजाइन दिया गया है, और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है। सेंटर कंसोल में इस वेरिएंट की खास बात, आर्मरेस्ट आपको मिल जाते हैं, बहुत ही स्टाइलिश, और इसे आप कुछ इस तरह अप एंड डाउन कर सकते हैं। सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर दिया गया है, साथ में आपको हैंड ब्रेक, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर, और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके आगे आपको स्पेस दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, और साथ में आपको यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है कुछ इस तरह। AC वेंट दिया गया है रेक्टेंगुलर से, बीच में हैजार्ड लैंप। सेंटर कंसोल में ऑफर किया गया है 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन का, और जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कार्ट प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को, और इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल दिया गया है, बीच में MID दिया गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। वहीं स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन कॉल्स का बटन दिया गया है, और राइट साइड कोई भी बटन आपको नहीं मिलते हैं दोस्तों। बीच में 3D लोगो, और यहाँ पे सेटिन सिल्वर फिनिश इंसर्ट किया गया है, और ग्लोव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है, टैबलेट ट्रे भी दिया गया है, इल्यूमिनेशन भी दिया गया है, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है, और सेंटर में दिया गया है LED कैबिन लाइट काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ, और 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसे आप 1 टच क्लोज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। डे नाइट IR में मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, टिकट होल्डर दिया गया है ड्राइवर साइड, और फ्रंट ए व्हीलर पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया है, और हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफी अमेजिंग है दोस्तों। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें, ओपन कर लेते हैं रियर डोर, 90 डिग्री ओपन हो जाता है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश में, पावर विंडो के कंट्रोल, पियानो ब्लैक फिनिश, 1 लीटर का बोटल है, थोड़ी सी जगह, स्पीकर दिया गया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 जने आराम से बैठ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराए गए हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। टाटा पंच के किसी भी वेरिएंट में आपको रियर AC वेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिया गया है, काफ़ी शानदार प्रीमियम। चारों ओर नज़र घुमाएं तो रियर पैसेंजर्स के लिए कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है कोट हुक के साथ। लेगरूम आप देख पा रहे हो बहुत ही शानदार, अमेजिंग डिसेंट। और हेडरूम की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, जिसके लिए बिग थम्स अप। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं, और ये इसका मेन हाईलाइट है दोस्तों, बूट स्पेस। आप चेकआउट कीजिएगा टाटा पंच ICNG वेरिएंट का बूट स्पेस, 210 लीटर का मिल जाता है, और इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे अवेलेबल कराए गए हैं। पार्सल ट्रे हटा देंगे तो काफ़ी अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे बूट लैम्प दिया गया है, वहीं जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है यहाँ पे CNG सिलेंडर, वो भी ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड किया गया है। 30-30 लीटर के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, 26.99 KMKG की मिल जाती है आपको माइलेज। इनर साइड आपको ग्रैब हैंडल दिया गया, ग्रैब करके इजीली आप सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। जहां तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लायंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रैबटोन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि डायनोप्रो टेक्नोलॉजी से लैस है। और वहीं इसमें पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों 87 BHP की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी क्लेम करती है 20 KMPL की माइलेज, वहीं CNG वेरिएंट में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों 72.41 BHP की पावर एंड 103 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
कंपनी क्लेम करती है सीएनजी वेरिएंट में 26.99 की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में टाटा पंच को पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है दोस्तों। वहीं इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट आईआरबीएम, 3-point सीट बेल्ट, ईएलआर सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, प्रिटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स, ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों टाटा पंच एकॉम्प्लिश डीजल सीएनजी वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड व्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।